दोस्तों, आज की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरी सुनना। दोस्तों, कहानी में भले ही पशु पक्षी जानवरों को दिखाया गया हो, लेकिन संपूर्ण शिक्षा मनुष्य जाति के लिए ही होती है। दोस्तों, आज की कहानी है कि एक कौवा जब दुखी हुआ तो न्याय मांगने भगवान शिव के पास कैलाश पर चला गया। दोस्तों, एक बार की बात है कि गाँव के बाहर एक पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों रहते थे। एक बार उस पेड़ के नीचे कुछ राहगीर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद कोयल ने बोलना शुरू किया। राहगीर बड़े खुश हो गए। वे कोयल के प्यारे गीतों का आनंद लेने लगे। उन सभी राहगीरों की इच्छा थी कि कोयल देर तक गाती रहे। कोयल ने जैसे ही बोलना बंद किया, तभी कौवे ने कांव कांव करना शुरू कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज को सुनकर राहगीरों ने उस पेड़ पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कौवा डरकर पेड़ से भाग गया। कुछ देर बाद जब राहगीर चले गए, तब कौवा आकर कोयल के पास बैठ गया और कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। कोयल पूछने लगी, अरे ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कैसा अन्याय हुआ है? कौवा कहने लगा, देखो बहन, एक तो काला रंग बना दिया, दूसरे इतनी कर्कश आवाज कि जहां भी बैठकर बोल दूं तो लोग कंकड़ पत्थर मारने लगते हैं, और एक तुम हो। तुम्हारा रंग भले ही काला हो, लेकिन आवाज इतनी मीठी कि सभी सुनना चाहते हैं, तुम्हें कोई नहीं भगाता। कोयल कहने लगी, यही तो विधाता का खेल है, वह जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। कौवा कहने लगा कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं। कोयल कहने लगी, देखो भाई, यह सब कोई नहीं कर सकता, यह तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं जो तुम्हें कोयल बना दे। विधि के विधान को परिवर्तन करने की क्षमता तो केवल शिव जी के पास है, वही ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, यदि तुम कैलाश पर भगवान शिव जी के पास चले जाओ तो वही कर सकते हैं। कौवा वहां से उड़ा। लंबी यात्रा के बाद कैलाश पर शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा सुना दी कि प्रभु मुझे कोयल बना दो। शिव जी कहने लगे, अरे कागराज, तुम इतना दुखी मत हो, लेकिन एक बार कोयल बनने से पहले कोयल के पास जाकर पूछ आओ कि वह अपनी जिंदगी से कितनी खुश है, इसके बाद आना तो मैं तुम्हें कोयल बना दूंगा। शिव जी की बात मानकर कौवा फिर कोयल के पास पहुंच गया और सारी कहानी बता दी। कोयल कहने लगी, अरे भैया, मेरी आवाज भले ही मीठी है पर रंग काला ही है, अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती, मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, कितना सुंदर सफेद रंग, सभी देखना चाहते हैं उसे, सरोवर के जल में पड़ा रहता है, मस्ती करता है। अब कौवे का मन बदल गया। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो। वह फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु मुझे हंस बना दो। कोयल अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हंस जरूर अपनी जिंदगी में खुश होगा। शिव जी ने कहा, ठीक है कागराज, मैं तुम्हें हंस बना दूं, उससे पहले तुम एक बार हंस के पास जाकर पूछ आओ कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है, वह अपनी जिंदगी से कितना संतुष्ट है। कौवा शिव जी की बात मानकर हंस के पास पहुंच गया। पहुंचते ही कौवे ने हंस से कहा, भाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हंस ने कहा, भाई बताओ। भैया, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कौवे ने कहा, हंस भाई, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। हंस ने कहा, भैया अब क्या कहूँ, मैं हर समय डर कर जीता हूँ कि कहीं कोई शिकारी मेरा शिकार न कर ले। कौवे ने कहा, तुम्हें कैसा डर, तुम्हारा शिकार कौन करेगा? हंस कहने लगा कि आजकल लोग पानी में रहने वाले जानवर पक्षी सबका शिकार कर लेते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए हम पक्षियों को मार मार कर खा जाते हैं। मैं तो हर समय डरा सहमा रहता हूँ, मेरा यह सफेद रंग दूर से ही चमकता है, यही मेरी जान का दुश्मन है। जिंदगी तो तोते की होती है, वह ऊंचे पेड़ों पर रहता है, मीठे मीठे फल खाता है, हरा सुआ पंखी रंग है उसका, लाल लाल चोंच, सबसे मजे की जिंदगी तो तोते की होती है। अब कौवे ने जब हंस की बात सुनी तो उसका मन बदल गया। अब वह शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए, तोता अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा। शिव जी ने कहा, कागराज, तुम एक बार तोते के पास जाओ, उससे भी पूछ लो कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। दोस्तों, कौवा वहां से चला, ढूंढते ढूंढते तोते के पास पहुंच गया। कौवा बोला, दोस्त मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तोते ने कहा, बताओ भैया।
क्या पूछना चाहते हो? कौवा कहने लगा, तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं होगी अपनी जिंदगी से। इतने स्वादिष्ट फल खाते हो, हरा सुआ पंखी रंग है तुम्हारा, लाल लाल चोंच, देखने में कितने खूबसूरत हो, लोग तो तुम्हें मिठू कहकर बुलाते हैं। तोता कहने लगा, दोस्त यही मेरी सुंदरता तो मेरी जान की दुश्मन है, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई पकड़ कर मुझे पिंजड़े में न बंद कर दे, मेरी आजादी को न छीन ले। दोस्त सुंदर तो मोर होता है, रंग बिरंगे पंख, तुमने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? जब मोर नाचता है तब कितना सुंदर लगता है, लोग उसकी फोटो खींचते हैं और उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ लग जाती है। मोर की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद कौवे के मन में मोर बनने की इच्छा प्रबल हो गई। दोस्तों कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु मुझे अब हंस और तोता नहीं बनना, कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए, मोर अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। शिव जी कहने लगे, कागराज तुम खूब सोच समझ लो, एक बार मोर से भी पूछ कर देख लो कि कहीं उसे तो कोई शिकायत नहीं है, वह अपनी जिंदगी से कितना संतुष्ट है। कौवा मोर को ढूंढने लगा, मोर कहीं दिखाई नहीं दिया। कौवा ढूंढते ढूंढते चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां मोर के पास पहुंचकर कहने लगा, भाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मोर बोला, कहो भैया मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? कौवा कहने लगा, मोर भाई तुम देखने में कितने सुंदर हो, कितने रंगीन तुम्हारे पंख हैं, जब तुम नाचते हो तो लोगों की भीड़ लग जाती है, तुम्हें तो सभी प्यार करते हैं, एक मैं कितना काला कलूटा, मैं किसी के घर की छत पर जब बैठ जाता हूँ तो लोगों को मेरा बैठना भी पसंद नहीं। मोर कहने लगा, काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के चक्कर में तो आज मैं चिड़ियाघर में पकड़ कर लाया गया हूँ। जब तक चिड़ियाघर के बाहर था तब तक डर बना रहता था कि कोई मेरे पंख न नोच ले, कहीं कोई शिकारी मेरा शिकार न कर ले, हर समय जिंदगी का डर बना रहता था, और आज मेरी आजादी छीन ली गई। सबसे अच्छे तो तुम हो, न कोई तुम्हें पकड़ता है न पिंजड़े में बंद करता है, जहाँ चाहो आजादी से रहो, घूमो खाओ। फिर तुम अपने आप से शिकायत करते हो कि मैं काला हूँ, मेरी आवाज कर्कश है। दोस्त यही रंग और यही आवाज तो तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में वे मुझे कौवा ही बनाएं। दोस्तों मोर की बात को सुन करके कौवे की समझ में आ चुका था कि ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वह वैसा ही ठीक है, क्योंकि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, भले वह तुमको अच्छा न लगे। कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु अब मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं ना तो कोयल बनूंगा और ना ही मोर। दोस्तों किसी की तुलना करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलना सिर्फ दुख का कारण बनती है, मन का सारा सुकून छीन लेती है। आप जैसे भी हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे।